हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, एक रीसेंट रिफ्यूजल केस आया है सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी। ये मतलब मेरे पास काफ़ी कम न्यू यूनिवर्सिटीज़ के जो रिजेक्शन केस एक्सेप्टेंस केस आते हैं, तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो यूनिवर्सिटी सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी एंड द काउंसलेट वॉज हैदराबाद एज यूजल, कि हैदराबाद में काफ़ी रिजेक्शन दे रहे हैं। 7 जून का ये एक्सपीरियंस है। काउंटर नंबर 24, मैं काफ़ी बता रहा हूँ, 24-26 काफ़ी एक यंग लेडी हैं वहाँ पर जो बैठती है, वो रिजेक्ट कर रही हैं। इनसे 7 to 8 क्वेश्चन पूछे थे। वेन डिड यू ग्रेजुएट, वॉट इज अंडर ग्रेड जी पी ए, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज डिड यू अप्लाई, वॉट आफ्टर मास्टर्स, आई हैव 2 years गैप एंड शी आस्क्ड, एक्सप्लेन अबाउट योर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर पोजिशन यू वॉन्ट टू डू, हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दिस जॉब और फिर वीजा रिफ्यूज। तो कभी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उनको क्वेश्चनिंग करनी होती है तो वो बहुत डीपली क्वेश्चन कर लेते हैं। जॉब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हमेशा आप ये अच्छे से पढ़ के जाओ कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि पास्ट में आपने क्या किया उसको बताओ, आपने कौन सी क्लास अटेंड करी। मुझसे ये पूछा था कि लास्ट क्लास आप बताओ, मैंने 19 में क्लास ली थी एंड लास्ट क्लास में मुझसे पूछा कि मुझे बताओ कि वो आपने क्या पढ़ा था। अब ऑब्वियसली बात है, 2023 में मैं 19 के बारे में कैसे बता पाऊंगा। तो आप जितना अच्छे से पढ़ के जाओगे उतने चांसेस आपके बढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।